दिन की शुरुआत में मैं हूँ मैरिनेट, एक नॉर्मल लड़की जिसकी है नॉर्मल लाइफ। पर मेरे बारे में कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, मेरा एक सीक्रेट। मिरेक्युलस है सबसे खास, करते वो हर जो भी होगा ना। मिरेक्युलस सबसे आना, प्यार की ताकत सबसे प्रबल। मिरेक्युलस फैसले मैं नहीं लेता माय लेडी, पूरे कुमास को पकड़ने वाली सुपर हीरो तुम हो। मैं तो चालाक और अल्ट्रा चार्मिंग कैट नोवर हूँ। सही कहा, तुम्हारे लिए आसान है। आसान? आसान तो वो मेरी वजह से लगता है। वैसे तुम चालाक हो, लेकिन उस दिन जो शरारत की थी उस वजह से मेरा लकी चार्म गिर ही जाता। पता है मास्टर फू ने मेरी बजाय लेडीबग मिराकुलस तुम्हें क्यों दिया था? क्योंकि उसके लिए किसी जिम्मेदार इंसान की जरूरत है। नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। जो भी हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हारे अंदर कितनी सारी खूबियां हैं। मैं तो बस ह्यूमर डिपार्टमेंट ही संभालता हूँ। तुम्हारा क्लाउन कॉस्ट्यूम गायब हो जाए उससे पहले चले जाओ। तुम्हें मिस करूंगा बगबू। इस नाम से मत। देखा, मैंने कहा था। क्या तुम मॉडल नहीं बनना चाहती? हाँ, पर मुझे कोई नहीं चुनने वाला। क्या तुमने मैरिनेट को अपने आइडिया के बारे में बताया? मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। तुम बहुत प्रिटी हो जून, मैरिनेट भी तुम्हें मॉडल बना के बहुत खुश होगी। हाँ। लाइफ में ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, उन्हें सिर्फ ड्रीम्स मत रहने दो। तुम इसी के लिए बनी हो, गो फॉर इट। मिसेस मेंडेलेव तो आज आए ही नहीं, अब एक घंटा जल्दी छूट गए हैं तो क्या करें? इस एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल करके हम मैरिनेट की वेबसाइट के लिए एक वीडियो बनाते हैं। है। याद है मैंने सबसे पूछा था मैरिनेट की डिजाइन के लिए मॉडलिंग के बारे में? तो कौन तैयार है? मैं कोशिश करूँ। जुलेका, मैंने तुम्हारा पूरा चेहरा पहले कभी नहीं देखा। तुम पर बहुत सूट कर रहा है। ये तो बस एक स्टाइल है, मैंने तो बस ऐसे। हमें मॉडल मिल गई। हमें टेक्निकल डायरेक्टर चाहिए, ऐसा कोई जिसे फैशन शूट्स के बारे में पता हो। उसके बारे में सोचना भी मत, अगर वो मेरे घर में रहा, मेरे रूम में, तो मेरी तो हालत ही। नहीं, कुछ नहीं होगा, इनफैक्ट तुम कंफर्टेबल रहोगी। तुम दोनों को करीब आने के लिए अच्छा मौका है। नहीं, मैं आलिया नहीं। क्या तुम फैशन फोटोशूट में हमारी मदद करोगे? जरूर करता आलिया, पर मुझे घर जाना होगा वरना मेरे डैड। जानती हूँ, पर इस वक्त तुम्हें मिसेस मैंडेलेव की क्लास में होना था, पर आज वो नहीं आई, मतलब एक घंटे तक टेक्निकली तुम्हें घर नहीं पहुँचना है। डैड को पता भी नहीं चलेगा। इसकी बातों में दम है दोस्त? तो ठीक है। यही मौका है उसे मूवी के लिए पूछो। एलेक्स, क्या तुम जुलेका के शोल्डर पर थोड़ी और लाइट डालोगी? वो अलग नजर आनी चाहिए। ये ठीक रहेगा ना मैरिनेट? क्यों नहीं, तुम परफेक्ट हो। मेरा मतलब ये परफेक्ट है, ये वाला, ये उसके सूट के साथ बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी वही सोच रही थी मेड्रियन, एड्रियन। कैमरा के सामने थोड़ा सा स्माइल करो जुलेका। मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, तुम लोग ना बस। सब ठीक है ना? मुझे ठीक नहीं। तुम मेरी मॉडल बनने के लिए तैयार हो गई, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लग रहा है कि तुम अब कंफर्टेबल नहीं हो। जल्दी डिसाइड करो, एड्रियन को एक घंटे में घर पहुंचना है। कोई बात नहीं, हम किसी और दिन भी कर सकते हैं, अगर डैड ने इजाजत दी तो। तुम्हारी जगह कोई और मॉडलिंग करे तो तुम्हें ऐतराज तो नहीं? ये काम दरअसल मुझे करना चाहिए क्योंकि ये मेरे डिजाइन है। और ऑफ कोर्स, क्या आइडिया है मैरिनेट? तुम्हारी डिजाइन की खासियत ये है कि ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पर जचती है। एक लड़का एक लड़की, सेम सूट, क्या ख्याल है? मंजूर है? मुझे मंजूर है। देखा, मजा आएगा। मैरिनेट को अपना सूट दे दो जुलेका, और मैरिनेट तुम एड्रियन के लिए एक सूट लेकर आओ। ये रही तुम्हारी एक्सेसरीज जिसे बनाया है वन एंड ओनली मैरिनेट डुपेंचाई ने। एक और मौका है उसे मूवी के लिए पूछने का। You're welcome. ऐसा मत करो मैरिनेट, ज्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है? और हाँ, इन्हें मेरे लिए तुम संभाल कर रखो। उम्मीद है कि यह एक मजाक है। ज्यादा देर नहीं लगेगी प्लैग, और तुम भी तो पास हो। यू लुक सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल।
परफेक्ट है। अब हम तैयार हैं। तुम ठीक हो मैरिनेट? हाँ, ये बहुत हॉट है, मेरा मतलब यहाँ बहुत गर्मी हो रही है ना। ओके, प्लान में चेंज है, हम बाहर जाकर शूट करेंगे। हाँ चलो, खुली जगह, साफ करना आसान हो जाएगा। यू कैन डू इट। क्या बात है जुलेका? मैं नहीं आना चाहती। पर क्यों नहीं? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ रुक जाऊँ? नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम प्लीज जाओ, मुझे थकान है, मुझे पढ़ना भी है। और तुम ठीक हो ना? कम ऑन, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं। ठीक है, तो तुम यहाँ आराम से बैठो, हम बस अभी आते हैं। मैं कैसी लूजर हूँ, सब गड़बड़ कर दी हमेशा की तरह। एक बार फिर मेरा शिकार लोगों को अपनी ओर खींचने में नाकामयाब रहा। नैटली, मायूरा को बुलाओ उस नेगेटिव इमोशन को एक नया मोड़ देने के लिए। दूसू, मेरी पंख फैलाओ। जाओ नन्हे अकुमा और उसे विलाइस करो। उड़ जाओ खूबसूरत अमोक, उस फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाकर और तेज करो। आईफिल टावर चलो प्लीज। हमें लेने आने के लिए शुक्रिया। स्कूल छूटने से पहले हमारे पास थोड़ा टाइम है, मैं अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा हूँ। रिफ्लेक्टर, मैं हूँ हॉकमॉन। लोगों को तुम जैसा ही बना देने की ताकत मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे सबकी नजर तुम पर पड़ सके। रिफ्लेक्टर, मैं हूँ मायूरा। तुम्हें जिताने के लिए रिफ्लेक्ट डॉल तुम्हारी मदद करेगी, ये तुम्हारी कही हर बात मानेगी। और इसके बदले में तुम्हें लेडी बग और कैट नोआर के मिरेकुलस मुझे ला कर देने हैं। हॉकमॉक, मायूरा, मुझ पर भरोसा रखो, इस बार मैं कामयाब लौटूंगी। कहाँ जा रहे हो दोस्तों? मैं तुम्हें लोगों को तो ढूंढ रही थी, तुम्हारे वीडियो के लिए मेरे पास कुछ काम है। अब तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे कैसा महसूस होता है। सॉरी जुलेका, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। जुलेका तो चली गई, मैं रिफ्लेक्टर हूँ, जुलेका को तो वैसे भी कोई नहीं याद रखा। Flag, cross out. Flag. आज उसका लकी दिन है शुगर क्यूब, उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। जब तक उनके फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होती है तब तक हम टेस्टी खाने का मजा लेते हैं। छुप जाओ। और तुम्हारा क्या? मैरिनेट, तुमने मेरा लाइमलाइट छीन लिया, इस फिल्म की स्टार तो मैं थी। पर तुमने तो कहा कि तुम्हें नहीं करना है। तुमने समझाने का मौका ही नहीं दिया। अब तुम मेरे जैसी बन गई हो, इसलिए शायद बेहतर समझ सकती हो।
कोई मुझसे बच नहीं सकता। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ ब्लास्ट। हम हमारे ओनर्स को कैसे ढूंढ लेंगे? सब लोग एक जैसे दिख रहे हैं। पहले हमें मिराकुलस को ढूंढना होगा। इन दोनों के बगैर पेरिस खत्म हो जाएगा। मिल गया। अब फोकस करो शुगर क्यूब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोज, कहा हो तुम मेरी बीएफएफ? मेरे पास आओ, हम दोनों मिलकर सगी बहनों की तरह रहेंगे। अच्छा यहाँ हो। केटनर, केटनर, केटनर। ब्लैक, तुम नहीं हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कैट नोआर ने अपना मिराकुलस खो दिया है? तुमने टीकी को देखा? वो एक लंबी कहानी है मैरिनेट। रहने दो, हमारे पास टाइम नहीं है। ब्लैक, क्लोज आउट। लेडी बग, मिराकुलस के साथ अदला बदली हो गई है। मैं टिकी हूँ, प्लीज टू मीट यू। वेल टिकी, चलो चले। लेडी नोआर, लगता है आज तुम्हारे हाथ में आसान काम आया है। ऐसा लगता तो नहीं है। हमें दो दुश्मनों का सामना करना होगा एक दूसरे की पावर्स के साथ। फोकस बनाए रखो मिस्टर बग, और योयो को शील्ड की तरह इस्तेमाल करो। उन्होंने मिराकुलस आपस में बदल दिए और नई शक्तियाँ उनसे संभल नहीं रही। मौके का फायदा उठाओ रिफ्लेक्टर, तुम उनके मिराकुलस तक पहुँच सकती हो। हाँ, मेरी किस्मत देखो, आज मुझे दो अकुमास को पकड़ना होगा। नहीं, एक अकुमा और एक अमोक। रिफ्लेक्टर को हॉक मॉथ ने रीअकुमाटाइज किया है, पर उसकी जायंट डॉल एक सेंसी मॉन्स्टर है जिसे पीकॉक मिराकुलस के मालिक ने बनाया है। यानी हमें रिफ्लेक्टर का अक्यूमेटाइज्ड ऑब्जेक्ट ढूंढना है और बेबी मॉन्स्टर का अमोक। तुम कर लोगे या रोल बदल लें? कम ऑन, मुझ पर भरोसा करो, मुझे बस इस्तेमाल करना है अपना। नहीं रुको। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ये बहुत जल्दी है, अभी हम अपने दुश्मन को ठीक से जानते भी नहीं। रिफ्लेक्टर जायंट डॉल को कंट्रोल कर रही है। पर हमें पता नहीं कि अकुमा और अमोक कहाँ छिपे हैं। अकुमा शायद उसी जगह है जहाँ उससे पहली बार मुकाबले के वक्त था, उसकी ब्रेसलेट में। शायद हमें देखकर पता लगाना होगा। अगर मुझे तो मिरर मिल जाए तो उसकी बीम वापस उसी पर रिफ्लेक्ट कर देता। ऐसे नहीं होता। लकी चार्म तुम्हारी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं देगा। वो बाद में देखेंगे, देखो और सीखो। लकी चार्म। एक मिरर। किस्मत वाले हो तुम, मेरी काबिलियत से जल्दी हो और कुछ नहीं। बहुत अच्छे मिस्टर बग, पर मुझे लगा। तुम्हें याद दिला दो, लकी चार्म सिर्फ विलन को हराने के लिए चीजें नहीं देता। तुम्हें पता लगाना होता है कि जंग जीतने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। दिमाग लगाओ। अब तुम अपना लकी चार्म यूज कर चुके हो तो तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्म होने में कुछ ही वक्त बचा है बग बॉय। मेरा मजाक उड़ाने के बजाय मेरी हेल्प क्यों नहीं करती? लगता है बग बॉय में सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। अब तुम बात कर रही हो इस क्लाउन की तरह।
सही कहा, मैं हूँ चालाक, फनी और अल्ट्रा चार्मिंग लेडी नोआर। देखो और सीखो। क्या हो रहा है? क्या ऐसा होना नॉर्मल है? पता नहीं, पहले कभी साइंटिस्ट मॉन्स्टर को कैटाक्लिज्म नहीं किया। ये कैटाक्लिज्म ऐसा है जैसे बैल पर मधुमक्खी ने डंक मारा हो। सच भी किए बिना गुस्सा दिला दिया। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। हमें ये भी नहीं पता कि एमॉक कहाँ छुपा है। नहीं रिफ्लेक्ट और रुको। ठीक है तो और बस बॉल मुझे बचाओ। तो तुम्हें डॉल से खेलना पसंद है? हे, तुमने मेरी लाइन चुराई। क्या मैं एमॉक को छुड़ाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस गड़बड़ी से हमें फायदा ही होगा। ये कॉस्ट्यूम तुम पर बकवास लग रहे हैं। मैं तुम्हारा नया वार्डरोब बनाऊंगी। कम से कम थोड़ा सा एहसान मानो। वैसे हम शायद इन कॉस्ट्यूम्स में अच्छे लग रहे हैं। अकुमा को पकड़ना मत भूलना। मैं ये करने के लिए बेकरार था। तुम्हारा वक्त खत्म नहीं है अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्हे अकुमा। रहने दो, मैं सब कुछ वापस ठीक कर दूंगा। सब कुछ ठीक करने से पहले हमें रिफ्लेक्ट डॉल को और तबाही मचाने से रोकना होगा। ओके, मानता हूँ सुपर लेडी बग होना आसान नहीं है। और मैं मानती हूँ कि मुझे तुम्हारा कॉस्ट्यूम पसंद है। शोल्डर्स काफी लाइट हैं। मैं ये काम तुम्हारे बिना नहीं कर पाता माय लेडी। रिफ्लेक्टर अपनी आंखों के अंदर से डॉल को कंट्रोल कर रही थी। हमें उसके अंदर जाकर उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा जिसमें अमॉक छिपा है। पर उसकी बीम से टकराए बिना हम ऐसा कैसे कर पाएंगे? क्यों ना हम इस मिरर का इस्तेमाल करके देखें? तुम एकदम सिंपल और सीधे साधे लड़के हो। आसान काम के लिए थैंक्स। और मेरी तो आदत है हमेशा उलझे हुए प्लान्स बनाने की। और काफी अजीब भी। ऑफ कोर्स, सिंपल और सीधे साधे। उसके सिर के पीछे वो एक्सेस पैनल देखा, उसी के जरिए हम अंदर जाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए स्क्रू ड्राइवर या एक कॉइन। सही कहा, या कॉइन जैसा कुछ बड़ा और गोल। मुझे पता होता तो मैं एक बड़ा सा कॉइन ही मांग लेता। हाँ, पर हमें पहले से तो पता नहीं होता ना। ये स्टिक शिफ्ट तो एक हैट फ्लिप है। तुम बेस्ट हो माय लेडी। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्हे पंख। मिराकुलस मिस्टर बग। हम फिर नाकाम हुए। पर अब हम दो हैं, यानी ज्यादा ताकतवर, और अंत में हम ही जीतेंगे। दुसु, मेरे पंख गिरा दो। नूरू, डार्क विंग्स फॉर। बिल्कुल मजा नहीं आया। ओ, ओ, आप ठीक तो है ना मिस नैटली? सब ठीक है, बस जरा सी थकान है। नैटली को कुछ देर शांति चाहिए डोसू, इसे आराम करने दो। हाँ जरूर, सॉरी। मैं समझ गया कि तुम्हारे पास मजाक करने का टाइम क्यों नहीं होता माय लेडी। हम दोनों को अपने अपने रोल्स करने होते हैं बगबॉय। स्पॉट्स ऑफ। जल्द ही मिलेंगे टिकी। गुड बाय एड्रियन। क्लॉजन मंग। बाय बाय।
ब्लैक, तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। वाकई बोरिंग डेली लाइफ से तो ये कई गुना बेहतर ही था। मैं तुमसे वादा करता हूँ ब्लैक, अब कभी अपना मिराकुलस नहीं उतारूंगा। मैं लेडी बग के काम के लायक नहीं हूँ। मुझे डर था कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। टीकी, तुम्हें वापस पाकर मैं बहुत खुश हूँ। Oh, okay? I'm so sorry, Julika. काश मैं समझ पाती कि ये शूट तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तुम एक और बार कोशिश करोगी? हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। क्या तुम्हारे पास थोड़ा और टाइम है एड्रियन? जरूरी काम है।